हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी उठ गई हूँ सोकर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने घर की साफ़ सफ़ाई। तो सबसे पहले मैं ये जो मच्छरदानी है ना, वो हमेशा मेरा खोलने का ड्यूटी है, क्योंकि सुबह रात में ना हम लोग मच्छरदानी ही लगा के सोते हैं। आप सब जानते होंगे क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो मैं अगर गुड नाइट वगैरह भी चलाती हूँ ना, तो वैसे बड़े अगर फिर भी मच्छर काटते हैं ये एक आध, तो इसी वजह से ना मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है ये मच्छरदानी। और फिर जो धुआं वाली होती है उसकी बदबू मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से मैं शुरू से, मुझे ना लगभग मैं जब से मेरी शादी हुई है यहाँ पर, मेरे मायके में मच्छर नहीं था, तो मुझे एक भी मच्छर जब उसकी आवाज़ आती है ना कानों में, मुझे बहुत इरीटेट होता है, नींद हराम होता है। इसी वजह से सबसे बेस्ट है मच्छरदानी। थोड़ा सा लगाने और इसको निकालने में ही दिक्कत होती है, उसके बाद बहुत अच्छे से चैन की नींद आती है। यहाँ पर ये जो पत्ते वगैरह मैंने अभी खोले हैं ना फ्रेंड्स, ये ना मेरे बच्चों की कलाकारी है। बच्चों की अभी छुट्टियाँ पड़ गई है स्कूल में, विंटर हॉलीडे, और शायद अभी छुट्टी ही रहेगी, कितने बहुत दिनों तक छुट्टी पड़ी है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से वो ना दिन भर यही करते रहते हैं, कभी घर डेकोरेशन करते हैं। वैसे तो इनको होमवर्क वगैरह मिला है, टाइम से वो नहीं होता है, जैसे ट्यूशन का होमवर्क हो गया, स्कूल का हॉलीडे होमवर्क जो रहता है, बहुत सारा होमवर्क मिला है। लेकिन फिर भी बच्चे जब घर में रहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो उधम मचाते ही हैं। वैसे ही जिनके सब बच्चे के घर में यही हाल होता होगा। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले ये जो बेडशीट आज मुझे धोना नहीं है, तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, झाड़ के इसी तरह फिर से बिछा दूँगी फिर से, क्योंकि आज मैं नहीं धोऊँगी। वैसे तो मैं वीक में 2-3 बार बेडशीट धो देती हूँ, लेकिन आज नहीं धो रही हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसको मैं कल ही निकालूँगी और कल मैं धो दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज ये जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है स्पेशल, आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने जो इस स्कार्फ के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड लगती है क्या, तो फ्रेंड्स देखिए, ठंड तो मुझे नहीं पता, ठंड तो मेरे हिसाब से है, सुबह शाम तो लगती है, लेकिन मैं स्कार्फ की बांधती हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि ठंड जब जैसे रहती है ना, तो मेरे अगर मैं कुछ कानों में बहुत टाइट से, मतलब हवा जो जाती है ना, फिर मेरे कानों में दर्द हो जाता है ठंड से, और ये किसी किसी को शिकायत होती होगी। इसी वजह से ना मैं ये शॉल वगैरह लगाती हूँ ना, तो मेरे सर से हट जाता है। इसी वजह से ये जो स्कार्फ है ना, ये मैं बांध लेती हूँ और ये हटता नहीं है, तो और ये ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। अगर मैं शॉल रख देती हूँ, स्वेटर मैंने पहना हुआ है, तो फिर ठीक है। इसीलिए मैं सुबह खासकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, हमारा जो ये घर है ना, सीधी बहुत तेज़ हवा आती है, एकदम कनकनी वाली हवा चलती है इस टाइम, तो कानों में मेरे दर्द एक बार अगर हो जाएगा ना, फिर उस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दवाई वगैरह भी लेनी पड़ती है। इसी वजह से मैं ये सुबह बांध कर ही रखती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जिसको होती है ना, वही सारी चीज़ें समझेंगे, तो इसी तरह इसीलिए। और लोग, मतलब मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, देखिए ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना, बस मेरा तो यही मानना है, स्वस्थ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ना, मैंने सारे घर को अरेंज कर दिया, जो चीज़ जगह पे रखनी है वो मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, उसके बाद अभी मैं यहाँ पर ना बना रही थी सब्जी, तो सब्जी आज मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्जी। और ये जो सोयाबीन है ना, तो इसको गर्म पानी में, ये देखिए गैस मैंने बंद रखा है, बस गैस में सिर्फ मैंने गर्म पानी करके रखा, और गर्म पानी में से डालकर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं तुरंत। अगर हम ठंडे पानी से इसको भिगोने के लिए छोड़ेंगे ना, तो ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए गर्म पानी में मैंने रखा, फिर उसके बाद पानी से मैंने इसको निचोड़ दिया, और अब मैं इसे कढ़ाई में थोड़ा सा भून लूँगी, ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए, और ये थोड़ा अच्छा भी लगता है जब इसमें
ये कलर हो जाएगा ना थोड़ा सा रेड कलर, मतलब अच्छे से भूनेंगे तो इसका स्वाद ही अलग लगता है। आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 4 और इसको मैं इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पिसी मसाले यूज करूँगी। और वैसे तो मैंने लहसुन वगैरह मैंने पीसा हुआ है, और टमाटर कद्दूकस करने से ना काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है इसी वजह से। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना सोया बड़ी को मैंने फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसे प्याज मिर्च को पहले मैं भून लूँगी, और बहुत अच्छे से ग्रेवीदार वाली रस्सेदार वाली आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये आदित्य को बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पहले बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी बनाया करती थी। इसे मैं अभी सोयाबड़ी को डाल दूँगी, और आलू मैंने अच्छे से पका लिया है, बस इसको थोड़ा सा ही कच्चा है, और आधा मैंने मसाले के साथ भून भून के ही पका लिया है। उसके बाद मैंने सोयाबड़ी को डाला है, क्योंकि इसको फिर बैलेंस हो जाएगा ये, और कच्चा नहीं रहेगा आलू इसी वजह से। और उसके बाद देखिए मसाले सोयाबड़ी को डालने के बाद ही मैंने भुना इसको। मैं रस्सेदार पराठे के साथ खाने के लिए मैंने बना रही हूँ, तो मैंने इसे पानी दिया और एक सीटी आने तक बस प्रेशर कुकर को ढक दिया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो शेयर करने वाली थी ना वो है ये। पहले तो आप इस ये जो हमारा ऑटो है ना, ये आप ध्यान से देख लीजिए कैसा दिख रहा है अभी, और इसका जो हालत है वो देख लीजिए, और आप यकीन नहीं आपके आँखों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब इसे हम ना अभी बनवाने वाले हैं। क्योंकि जब से हमने ये ऑटो ख़रीदा था ना, अभी तो बहुत दिन हो गए, लगभग 6 से 7 साल हो गए होंगे इस ऑटो को, और हमने एक बार भी इसकी जो ऊपर की मरम्मत है ना वो कभी नहीं करवाई है। अगर इसकी मरम्मत हुई है तो जैसे मशीन कोई ख़राब हो गया तो वो तो बनाना ही है, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और देखिए जो गाड़ी है ना वो हमेशा 10 दिन 15 दिन कुछ ना कुछ, महीने में 1.5 महीने 2 महीने में ख़राबी होती होती है, चेंज कुछ ना कुछ होते ही है। लेकिन ऊपर की जो बॉडी है ना, मतलब ऊपर का जो कवर, ये सब देखिए पूरा ये ना जंग लग गया है, इसमें से पानी भी चूता है बरसात में, और अब तो कोई चारा ही नहीं है। तो इसी वजह से अभी हम लोग इसे बनवाने वाले हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड बनवाने जा रहे हैं। तो ऑटो में जो चीज़ें हैं ना हमारा वो निकाल के रख ले रहे हैं, जैसे कि एक एक्स्ट्रा टायर रहता है सबके पास, जितने भी जो रेंज वगैरह रहते हैं वो सब निकाल के रख खाली कर रहे हैं इसको। और अभी ये सीधे जाएगा गैरेज में, गैरेज में 1-2 दिन रहेगा, और जब घर लाने के लायक रहेगा इस ऑटो को तब लाया जाएगा। और आप इसको, मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखा रही थी कि इसकी सीट की क्या हालत हो गई। सीट वगैरह तो हमने एक बार बनवाए थे, एक ही बार बस बना है, और नीचे जो आप पैरों को रखते हैं वो तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। वो पूरा जो टीन लोहा ये सब चेंज करवाएंगे, क्योंकि बहुत इसकी हालत ख़राब हो गई है। और हम ना आज से नहीं, लगभग 6 महीने से सोच रहे हैं कि हम इसको बनवा लें, और मतलब ऐसे अच्छे से बनवाना था, इसी वजह से हम लोग थोड़ा टाइम ले लिए। और ऐसे मतलब टालते टालते देखिए आज इसका मुहूर्त निकला है फाइनली, और ये जा रहा है गैरेज में। और अभी इसको लगभग 1 हफ्ता टाइम लग, 1 हफ्ता शायद, हाँ 1 हफ्ते के बाद आपको मैं वैसे इसी वीडियो में ही दिखाऊंगी, लेकिन 1 हफ्ता हमारा लग गया था, क्योंकि जहाँ से हम लोग बनवाएंगे ना उन्होंने खुद ही टाइम दिया है कि 1 हफ्ता आपका टाइम लग जाएगा, तो 1 हफ्ता तक अभी ऑटो चलाने के बारे में सोचना ही नहीं है। उसके बाद जब 2-3 हो गए थे, तो ये 2-3 दिन के बाद क्लिप था ये वाला, ये अभी फाइनली इतना आधा बन चुका है। तो अभी इसमें कवर और जितना अभी आधा हुआ है, आधा जो इसकी टीन लोहे इसका देखिए, और जब बनवा ही रहे थे ना तो हमारे यहाँ झारखंड में 2 कलर के ऑटो चलता है, ब्लैक कलर और ये ग्रीन कलर का ऑटो। 5 साल पहले मुझे जहाँ तक पता है ग्रीन कलर का ऑटो झारखंड में नहीं चलता था, ले बस फिर धीरे धीरे बड़े बड़े शहर में रांची बोकारो ये सब में चलने लगा,
तो अब हमारे शहर में भी ग्रीन कलर का ऑटो चलने लगा। लेकिन हमें मुझे एकदम याद है 6-7 साल पहले ये नहीं चलता था ग्रीन कलर का। तो अभी जब चलने ही लगा है, सबके पास हो ही गया है, तो मैं मतलब कि यही मेरे हस्बैंड बोले कि अब हम भी ग्रीन कलर ही करवा लेते हैं, वो अच्छा लगता है। रेट वही था, ऑप्शन दो थे तो ब्लैक था ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि कुछ नया हो जाएगा और एकदम डिफरेंट हो जाएगा। कलर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, आप खुद ही देख लीजिए। और अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा कुछ सेकंड वेट कीजिए, अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि पूरा बनने के बाद जब सीट वगैरह इसका लग जाता है ना तो कैसा लग रहा था। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, आज का ये दिन है और ये पूरा बन गया था और ये वॉश होकर भी आया था। जो इंजन है ना उसकी सफाई करवा के धुला कर लाए थे घर, और घर आकर फिर नहा धो के ये चले गए थे मंदिर। मंदिर से अभी ये डायरेक्ट आया है जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस टाइम का, और ये पूजा करवा कर ही आए हैं मंदिर से। तो इस तरह से मतलब कि वैसे तो दिख तो रहा है मुझे नया ही, पता नहीं आप सबको कैसा लग रहा होगा हमारा नया ऑटो। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर से कोल्ड हो गया, और इसी वजह से ऐसा आपको मैंने आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। और अभी देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारा नया ऑटो, और यही खुशखबरी था, यही स्पेशल चीज़ था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। और इसका सीट वगैरह मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था ना कि हमारा नया ऑटो हमने ख़रीदा है। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ना पूजा करवा के भी आ गए, क्योंकि ये मंदिर होकर ही आए हैं अभी, और मैंने सोचा कि चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज की मेरी वीडियो, बाय बाय।